माय पर्सनल एक्सपीरियंस विद यू। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आज की वीडियो होने वाली है रिव्यू वीडियो। तो आज मैं रिव्यू करूंगी पाउंड्स का सुपर लाइट जेल मॉइस्चराइजर पे। तो उससे पहले आप मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोसेस है, इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। अच्छा, शुरू करते हैं आज की वीडियो। जो ये पाउंड्स का सुपर लाइट जेल मॉइस्चराइजर है, इसको मैंने बाय किया था बैग गैलरी से। इसकी अनबॉक्सिंग मैंने की थी अपने वायरल स्किन केयर प्रोडक्ट हॉल में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर ज़रूर देखिएगा। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में या इस वीडियो के साथ मैं वो कर दूंगी अटैच। अच्छा जी, जो ये मॉइस्चराइज़र है पाउंड्स का, ये नया आया है। ये जेल मॉइस्चराइज़र है। ये इस तरह के पेस्टल ब्लू के कार्डबोर्ड के बॉक्स में आता है। और ये एक जो कंटेनर है इसका हार्ड प्लास्टिक है, जिसका पेस्टल ब्लू कलर का प्लेन कैप है। और यहाँ पे पाउंड्स सुपर लाइट जेल मॉइस्चराइजर लिखा हुआ है। साइड्स पे कुछ नहीं लिखा हुआ, इंग्रेडिएंट्स कुछ या एक्सपायरी डेट। इसका जो बॉक्स है उसके ऊपर सब डिटेल्स इसकी मेंशन है। तो बात कर लेते हैं प्रोडक्ट क्या क्लेम करता है। इसके अंदर मौजूद है हाइलोरोनिक एसिड, विटामिन ई। ये है सुपर लाइट, नॉन स्टिकी, नॉन ग्रीसी, 48 आवर्स के लिए आपके फेस पे जो मॉइस्चराइजर है यानी कि हाइड्रेशन उसको बरकरार रखता है, हाइड्रेट रखता है अपने आपके फेस को। इसको आपने यूज़ किस तरह करना है? आपने इसको वैसे यूज़ करना है जैसे आप अपने नॉर्मल मॉइस्चराइजर यूज़ करते हैं, यानी कि आपने अपना फेस धोना है सीरम के बाद और सनब्लॉक सनस्क्रीन से पहले आपने इसको अप्लाई कर लेना है। अच्छा, तो पहले हम बात कर लेते हैं इसकी, ये प्रोडक्ट जोन सा है ना, इसके बॉक्स पे मैंने पूरा रीड आउट किया है। कहीं मेंशन नहीं है ये किस स्किन के लिए है, किस स्किन को सूट करेगा या किस स्किन को सूट नहीं करेगा। पाउंड्स के जो प्रोडक्ट है ना, अक्सर उनके ऊपर कहीं मेंशन नहीं होती स्किन टाइप के लिए, किस स्किन टाइप को के लिए ये सूटेबल है। अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो पाउंड्स का जो था क्लिनजिंग मिल्क और टूनर, उसमें भी मैंने यही बोला था कि कहीं मेंशन नहीं है कि किस स्किन टाइप को ये सूट करेगा। तो मैंने इसको टेस्ट किया है जी ड्राई स्किन पे, नॉर्मल स्किन पे और ऑयली स्किन पे, ताकि मैं आपको इस प्रोडक्ट के बारे में कंप्लीट गाइडनेस दे सकूँ। अगर आप में से कोई सोच रहा है इसको बाय करने के बारे में तो उसको एक कंप्लीट गाइडनेस मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं जी पहले ऑयली स्किन से। मैंने इसको टेस्ट किया ऑयली स्किन पे। ऑयली स्किन के लिए जी ये मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छा है, बहुत बेस्ट है, क्योंकि ये ग्रीसी नहीं है, स्टिकी नहीं है और लाइट वेटेड है, फास्ट अब्जॉर्बिंग है। तो ये उनके लिए बहुत अच्छा है ऑयली स्किन वालों के लिए। अगर आपकी स्किन पे ओपन पोर्स हैं, ऑयली स्किन है और साथ ओपन पोर्स भी हैं, ठीक है, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है प्राइमर लेने की भी, इवन के आप इसको यूज़ कर सकते हैं एज अ प्राइमर भी और एज अ डेली मॉइस्चराइज़र भी। मैं आपको ये दिखाती हूँ अंदर से किस तरह का है। ये डबल लॉक होता है, यानी कि इसके अंदर भी एक कवर मौजूद है, वो प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट में है। तो ऐसे इसको खोलें तो यहाँ पे इसका एक और जो कैप है वो मौजूद है। देखेंगे, मैं इसको आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड है, फास्ट अब्जॉर्बिंग है, स्टिकी नहीं है, ग्रीसिंग नहीं है, पता भी नहीं लगता कि आपने अपने फेस पे कोई मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया हुआ है या नहीं। देखें, कोई स्टिकनेस, कोई ग्रीसीनेस नहीं है और आपके स्किन पे जो एक ऑयली होता है, मतलब एक टैन साइड ब्लैक इफेक्ट सा, वो भी नहीं छोड़ता ये मॉइस्चराइज़र। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छा है, ओपन पोर्स है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको सूट करेगा। यूज़ करने से पहले पैच टेस्ट ज़रूर कर लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं नॉर्मल स्किन की। अगर है जी आपकी नॉर्मल स्किन तो भी आपको ये सूट करेगा, ये अच्छा मॉइस्चराइज़र है आपके फेस पे। जैसे दूसरे मॉइस्चराइज़र होते हैं वो ऑयल छोड़ जाते हैं, एक ग्रीसीनेस छोड़ जाते हैं, ये नहीं छोड़ेगा वैसे। लेकिन अगर आपकी नॉर्मल स्किन है ना और आपने पीलिंग सॉल्यूशन यूज़ किया है, ऑर्डिनरी का या कोई भी पीलिंग सॉल्यूशन यूज़ किया है आपने अपने फेस के ऊपर, तो आप इसको मत अप्लाई करिएगा, क्योंकि ये मतलब आपकी स्किन जो उनसी है ना, जब आप पीलिंग सॉल्यूशन यूज़ करते हैं तो आपकी जो स्किन होती है ऊपर से पील हो जाती है, लाइक एक लेयर सी रिमूव हो जाती है। तो आप इसको यूज़ मत करिएगा, ये ड्राई पैचेस आपकी स्किन पे छोड़ जाएगा और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई फील करेगी और जो फेस होता है ना ड्राइनेस बॉक्सर, मतलब अकड़ सा जाता है ना, वैसा हो जाएगा, ड्राई पैचेस आ जाएंगे।
तो ये यूज़ मत करिएगा, आप कोई और अपना मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लीजिएगा। ये वाला यूज़ जेल मॉइस्चराइज़र ना कीजिएगा पीलिंग सॉल्यूशन के बाद, नॉर्मल डेज पे आप यूज़ कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जी ड्राई स्किन वालों की। जो ड्राई स्किन वाले हैं वो इसको बाय मत करें, आपके पैसे हो जाएंगे वेस्ट, ये आपको नहीं करने वाला सूट। जो ये मॉइस्चराइज़र है इसकी प्रॉपर्टीज जो है ना उसकी हैं जी, एक प्रॉपर्टी थी ये भी है कि आप इसको अप्लाई करते हैं तो आपके फेस पे जी फील होते हैं थोड़ा थोड़ा कूलिंग अफेक्ट सा। आप आपकी ड्राई स्किन है, आप इसको अपने फेस पे अप्लाई करेंगे ना, आपको पहले फील होगा थोड़ा थोड़ा कूलिंग अफेक्ट, ठंडा सा एक आपकी ठंडक सी आपके फेस पे आपको फील होगी। उसके बाद आपकी जो स्किन है ना फेस की वो होने लग जाएगी हार्ड, यानी कि अकड़ सी जाने लग जाएगी। फिर आपको अपने फेस पे ना थोड़ी थोड़ी सी ईचिंग यानी कि थोड़ी थोड़ी सी ना चुभन सी महसूस होगी। उसकी थोड़े टाइम बाद आपको होने लग जाएगी ख़ारिश मुंह पे, आपकी स्किन पे, आपके फेस पे आपको ख़ारिश महसूस होने लग जाएगी कि आपका दिल करेगा आप अपने फेस पे उनको ख़ारिश करें, उस पर इतनी ज़्यादा जो चुभन है ना वो आपको इतनी ज़्यादा महसूस होगी। एट द एंड क्या होगा, ये जो मॉइस्चराइज़र है आपके फेस पे ना ड्राई पैचेस छोड़ने लग जाएगा, और ड्राई जब पैचेस छोड़ेगा तो आपकी स्किन पे हो जाएंगे ब्रेकआउट, जो आपकी स्किन पे निकल आएगी एक्ने और पिंपल्स वगैरह आपकी स्किन पे निकल आएंगे अगर आपकी स्किन ड्राई है इस मॉइस्चराइज़र को यूज़ करने के बाद। ड्राई स्किन वाले इसको प्लीज़ बाय मत करें, आपकी स्किन को बिल्कुल नहीं सूट करने वाला, आपकी स्किन ख़राब हो जाएगी। प्राइस इसकी 600 रुपीज़ है और अमाउंट इसमें आपको मिलती है 50 ग्राम। ये देखिए नीचे उन्होंने लिखा हुआ है, आपको 50 ग्राम मिलती है, 600 रुपीज़ है इसकी प्राइस। प्राइस बहुत ज़्यादा है अगर आप प्रोडक्ट के अमाउंट देखें। इनका जो दूसरा मॉइस्चराइज़र आया था ना जो सा इन्होंने पहले इससे पहले निकाला था मॉइस्चराइज़र, वो आपको 75 ग्राम मिलता है और प्राइस भी उसकी आएगी 350 के अराउंड ही थी। तो पाउंड्स की जो बात है मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, कहीं मैंशन नहीं है कि स्किन को सूट करेगा, किस स्किन के लिए है, किस स्किन को नहीं यूज़ करना चाहिए, कहीं पर भी मैंशन नहीं होता। तो मैंने इसको टेस्ट किया है तीनों स्किन टाइप्स के ऊपर, ऑयली, नॉर्मल, ड्राई। तो ऑयली स्किन वालों के लिए तो बेस्ट है, उनको तो किसी प्राइमर की भी ज़रूरत नहीं अगर वो ये बाय कर लेते हैं। नॉर्मल स्किन वालों के लिए भी बहुत अच्छा है, लेकिन नॉर्मल स्किन वाले अगर यूज़ करते हैं पीलिंग सॉल्यूशन तो उसके बाद इसको अप्लाई मत करें, अपना कोई और मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लें। ड्राई स्किन वाले तो बिल्कुल ना लें, वेस्ट ऑफ मनी है। इस प्रोडक्ट को अगर मैं स्टार की बात करूँ, अगर हम इसको रेटिंग की बात करें 5 में से मैं इसको कितने स्टार्स देना चाहूँगी, तो मैं इसको दूँगी 2.5 स्टार्स, क्योंकि ये प्रोडक्ट ना अच्छा है ना बुरा है। इसकी जो हाइलुरोनिक और विटामिन ई की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मुझे अभी तक फील नहीं हुई, मे बी अगर आगे फील हो, पर इतना भी कोई ख़ास इफेक्ट नहीं लगा मुझे इस मॉइस्चराइज़र का, जिस तरह इसकी हाइप थी, जिस तरह इसकी एडवर्टाइजिंग हो रही थी। तो इस प्रोडक्ट को मैं देना चाहूँगी 2.5 स्टार्स। अच्छा तो जनाब इसी के साथ होता है आज का रिव्यू ख़त्म, आज की वीडियो होती है ख़त्म। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्द आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो के बारे में, अगर इस प्रोडक्ट के बारे में कोई क्यूरीज हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और अगर आपकी ड्राई स्किन है और आपको सूट किया है तो भी आप मुझे बताइएगा अपना कमेंट, अपनी जो रिव्यू है, अपने जो रिव्यूज़ हैं इस प्रोडक्ट के साथ वो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मिलती हूँ बहुत जल्द आपको अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल।